अगर इस तरीके एक बार चिकन करी बना के खाएंगे तो मार्केट का चिकन करी खाना भूल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही टेस्टी और कम समय में चिकन बनाएंगे। तो चिकन के लिए सामग्री में हमने 1 किलो चिकन ले लिया है, थोड़ा तेज पत्ता ले लिए हैं, 10 से 12 कलियां तक लहसुन का छिलका उतार के बारीक काट लिए हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा महीन काट लिए हैं, 1 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं, 2 पोटी लहसुन ले लिए हैं, इस तरीके थोड़ा हरा मिर्च ले लिए हैं। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और भी मिर्च डाल सकते हैं, हम यहाँ पर 3 मिर्च डाल रहे हैं। 3 बड़ी साइज हमने प्याज बारीक काट लिया है, 1 चम्मच धनिया है, ये पीपली है इसे पीपली बोलते हैं, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10-12 काली गोल मिर्च ले लिए हैं, थोड़ा जावित्री, दालचीनी ले लिए हैं इतना, 5-6 लौंग। तो आइए सबसे पहले गैस की तरफ चलते हैं। चिकन हमने 2-3 बार पानी से बढ़िया से धुल लिया है, आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिए, तेल काफी गर्म हो चुका है, अब चिकन डाल देते हैं। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक आइए मसाले पीस लेते हैं। मसाले हमने पीस लिए हैं और चिकन भी बढ़िया से फ्राई हो गया, इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, खाली निकाल लेंगे। सभी चिकन हमने थाली में निकाल लिया है, तेल काफी गर्म है, तेल और बढ़ा देते हैं थोड़ा। कटी हुई प्याज डाल देते हैं, दो मिनट प्याज हमने भून लिया है, अब तेज पत्ते डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देंगे, लहसुन की पोटी डाल देते हैं, अदरक और लहसुन जो हमने काटा है इनको डाल देते हैं। अब इनको बढ़िया से भून लेंगे, गैस का फ्लेम हाई किए हैं। प्याज हमने मीडियम में भून लिया है, बढ़िया तरीके से भून चुका है, अब इसमें मसाले डाल देते हैं। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब इनको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, अब टमाटर डाल देते हैं, इनको भी मिला देते हैं। दो मिनट के लिए ढक के रख देंगे, गैस को फ्लेम मीडियम कर देंगे, ढक्कन हटाएंगे 2 मिनट बाद। मसाला अच्छे से भून लिया है, अब हम चिकन डाल देते हैं। अच्छे से मिला दिया है हमने, अब पानी डाल देते हैं।
अब हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे पकने के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं, चिकन पककर तैयार हो गया है, ये देखिए। आइए अब सर्व करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पककर तैयार हुआ है। सर्व करने से पहले हम हरा धनिया डाल देते हैं। इनको मिला देते हैं, थाली निकालेंगे। ये हमने रोटी ले लिया है और ये चावल ले लिए हैं। चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। कोई गलतियां हो माफ करिए। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।